हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल और इंटरेस्टिंग रेसिपी, बिल्कुल तीखी तीखी सेजवान सॉस। सेजवान सॉस बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। इसे आप फ्राइड राइस के साथ, हक्का नूडल के साथ, चाउमीन के साथ या नॉर्मली भी हम इसे खा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने नॉर्मल वाली लाल मिर्च ली है, लगभग 50 ग्राम है ये। आप यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, वो थोड़ी कम तीखी होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा तीखी हैं। तो इसमें से हम बीज निकाल लेंगे। बीज निकाल के हम इसको साफ़ कर लेंगे अच्छे से, और डंठल भी हम इसके अलग कर लेंगे। और इसको करीब करीब हम 20 से 25 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रख देंगे। देखिए, मैंने यहाँ गर्म पानी में इसको भिगो के रख दिया है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और आसानी से इसका पेस्ट बन जाएगा। अब मैंने ग्राइंडर जार में इनको डाल लिया है, और 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ अदरक लहसुन लिया है, जिसको कद्दूकस कर लिया है, और 1 इंच मैंने यहाँ अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे भी डाल लेंगे। अब इसे पीस लेंगे और 2 से 3 चम्मच पानी डाल लेंगे। देखिए, इसका पेस्ट मैंने बना लिया है और इसका कलर आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा है। अब मैंने यहाँ पैन लिया है और 1/4 कप हम इसमें तेल डाल लेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दिन के लिए स्टोर कर रहे हैं तो तेल ज़्यादा डालना ज़रूरी है। और 2 मैंने यहाँ दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं। अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें पेस्ट डाल देंगे ये, और इसको हम लगातार 5 से 6 मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे, और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। पाँच से छः मिनट मैंने इसको पका लिया है अच्छे से। अब मैंने यहाँ 1 चम्मच सोया सॉस लिया है, वो डाल लेते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको भी। 2 चम्मच मैंने यहाँ चीनी ली है। चीनी आपको पसंद नहीं है या आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप चीनी कम कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है। नमक और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब मैंने यहाँ टोमेटो केचप लिया है। टोमेटो केचप डालना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस रेसिपी में, तो हम टोमेटो केचप डाल लेंगे। अब मैंने यहाँ सिंथेटिक विनेगर लिया है। विनेगर की जगह आपके पास अगर नींबू सत्व है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और सिंथेटिक विनेगर या नींबू सत्व बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इससे इसमें खट्टापन आएगा और ये बहुत दिनों तक इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, वो डाल लेते हैं, और इसे ढक कर हम लगातार 5 मिनट पका लेंगे अच्छे से। चलिए, इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। देखिए, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर लिया है, और 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पानी लिया है। इसका एक घोल तैयार कर लेंगे स्मूथ सा, और सेजवान सॉस में हम इसको मिलाएंगे, जिससे सेजवान सॉस की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए मिला लेते हैं इसको। इसको थोड़ा थोड़ा डालकर ही हमें मिक्स करना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा डालकर ही हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और करीब करीब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। अब जैसे जैसे कॉर्नफ्लावर पकेगा तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी होती जाएगी। दालचीनी के टुकड़े हैं, वो भी निकाल देंगे हम। अगर दालचीनी का पाउडर है आपके पास तो इसी टाइम आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया हो गई है, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए, बनकर रेडी है, और अब हम गैस को बंद कर देंगे।
सजमन सॉस बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए आप इसे देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है, एकदम परफेक्ट हमारा सॉस बनकर तैयार हुआ है। आप ऐसे आसानी से घर पर बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और इसको हम स्टोर करके कम से कम 3 से 4 महीने कर तक रख भी सकते हैं। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए और टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।